हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं सारनाथ आया हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी जगह आप सारनाथ विजिट कर सकते हो और घूम सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। गाइस, मैं पहले आया हूँ थाई टेम्पल। ये बुद्ध भगवान का स्टैचू पीछे है, तो यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। आप भी यहाँ पे आ सकते हो और बाकी मैं आपको आगे ब्लॉग्स में दिखाऊँगा। सो गाइस, ये जो स्टैचू है इसकी हाइट जो है वो 80 फीट है और पास आने पे एकदम बड़ा दिखता है ये। और इधर ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, वो तिब्बत लैंग्वेज में, मुझे वो समय में नहीं आ रहा है। इधर देखने पे इधर डोनेशन बॉक्स है, इधर टूरिस्ट लोग आते हैं तो इधर डोनेट करते हैं अपना। सो गाइस, इधर कोविड का टाइम चल रहा है तो अंदर मतलब कि किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है कोविड के टाइम पे। और इधर मतलब कि बैनर भी लगा हुआ है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो आगे इसके बारे में ये एक इंट्रोडक्शन इधर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो ये 80 फीट्स और 9 इंचेस का इधर लिखा हुआ है और 16 मार्च 2011 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो गाइस, ये जो प्लेस है वो टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब है, लोग बहुत दूर दूर से सारनाथ आते हैं और विजिट करते हैं। तो गाइस, अब इधर बारिश हो रही है तो अब चलेंगे हम लोग कुछ अंदर, वरना हम लोग भीग जाएंगे एकदम। तो गाइस, हम लोग ये वाटर टैंक के नीचे आए हुए हैं, इधर काफ़ी बारिश हो रहा है, अगर नहीं आते हो टाइम पे तो हम लोग भीग जाते पूरा है। गाइस, मैं भीग रहा हूँ, कहाँ चलूँ? हम लोग को टाइम में, हम लोग जब यंग थे तो हम लोग रेडियो से रोका हंगराज के बनर्जी फुटबॉल खेले, कलकत्ता मक्का मदीना था। अभी कुछ नहीं है, क्यों? मोबाइल आ गया, फैशन आ गया, एक्टिव आ गया, नो एनर्जी एंड नो बॉडी एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे मौसम भी बदल गया। अभी पानी नहीं गिरने का, लेकिन पानी गिर गया, जहाँ गर्म है वहाँ ठंडा आ गया, जहाँ ठंडा वहाँ गर्म आ गया। तो जैसे पृथ्वी पर हर चीज़ क्लाइमेट हो, पेड़ काट दिया, जंगल काट दिया, तो आपको कैसे क्लाइमेट मिलेगा? वो पहले लोग का, दादा लोग, परवाजा लोग का, वो लोग तो यंग है, स्ट्रांग है, वो कुआँ से पानी पीता था, उसके बॉडी बन जाता। अभी तो पाइप लगा दो, बटन दबाओ, हर चीज़ हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। सो गाइस, इधर काफ़ी टाइम से बारिश चल रहा है, लगभग 2 से 3 घंटा हो गया और हम लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आगे का ब्लॉग शूट हो पाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, दौड़ के निकलेंगे और ईएस मुझे गेट पे मिलेगा।